उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मची सियासी भगदड़ के बीच कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। पुलिस विभाग में असीम अरुण की 9 साल की सेवा बची थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने राजनीति में एंट्री लेने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में असीम अरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आदरणीय असीम अरुण जी को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद असीम अरुण ने बताया कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद करो। असीम अरुण को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में उनका स्वागत किया। असीम जी, स्वागत करता हूं अरुण जी, और आपके आने से हमारा पार्टी का भी कद बढ़ेगा और हम सब का भी कद बढ़ेगा। असीम अरुण ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसके अगले दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट अपडेट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि वो अब पुलिस की वर्दी दोबारा नहीं पहन पाएंगे। आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने पिछले साल 8 दिसंबर को पुलिस की नौकरी से वीआरएस लिया था। तेज तर्रार अफसरों में गिने जाने वाले असीम अरुण यूपी एटीएस के आईजी भी रह चुके हैं। उनके पिता श्री राम अरुण भी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं। लेकिन असीम अरुण के बीजेपी में एंट्री लेने के साथ ही सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। असीम अरुण को सदस्यता दिलाने के कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद यूपी की राजनीति में दंगे पर ऐसी जंग छिड़ी कि उसकी चिंगारी ने आग भड़का दी। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर की ही तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के चरित्र पर उंगली उठा दी। अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। बीजेपी की तरफ से तीर छूटे तो अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और असीम अरुण के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। खबर है कि असीम अरुण कन्नौज सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, वो कन्नौज के ही रहने वाले हैं। सौ बात की एक बात यह कि असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होते ही उत्तर प्रदेश में दंगे की लड़ाई एक बार फिर चुनाव में आ गई, क्योंकि लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिया। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि असीम अरुण कन्नौज से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खबर तो यह भी है कि इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है, जिसका फायदा वो इन चुनाव में उठा सकते हैं।